हेलो मित्रों, नमस्ते। स्टेट विथ एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। राजस्थान के सभी जिलों में इंडियन आर्मी की भर्ती होने वाली है। पुलिस विभाग ने इस भर्ती की व्यवस्था के लिए स्वीकृति दे दी है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन से जिले में किस तारीख को भर्ती होने वाली है, और साथ ही में भर्ती को लेकर आर्मी के जो अफसर है वो क्या कह रहे हैं, ये भी आपको मैं रूबरू सुनवाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल कलर का बटन है, उसे आप दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। इस साल जैसे आप लोगों को पता है, कोविड की वजह से फरवरी के बाद से कोई रैली नहीं हुई, ये हम लोग रैली कर ही नहीं पाए, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि रैली हम लोग कैसे करें। अंत में आते आते गढ़वाल में जो एआरओ साहब हैं हमारे, एआरओ कर्नल साहब, कर्नल वाजपेयी साहब ने इनिशिएटिव लिया कि हम शुरुआत करते हैं, और ये शुरुआत यहाँ की नहीं थी, ये शुरुआत पूरे देश के लिए थी। पूरे देश में रैली रुक गई थी, उसकी वजह से हमारे फौज में जो रिटायर जा रहे थे वो सब तो रिटायरमेंट हो ही रहा था, और धीरे धीरे नफरी कम हो रही थी। तो रैली कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हो नहीं पा रही थी, और रिटायरमेंट किसी को रोक नहीं पा रहे थे। तो सबसे इनिशिएटिव लिया एआरओ लैंसडाउन ने, और कहा कि हम कोशिश करते हैं। फिर साहब ने इनिशिएटिव लिया, और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उससे बात की, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से मिलिट्री सपोर्ट लिया, सबसे बात की, और सबको सपोर्ट, सबको साथ लेके चले, और एक हिम्मत दिखाई। इसकी हिम्मत को देखते हुए बाकी देश में भी अब सबकी हिम्मत आई, और अब रैली शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हो यहाँ पर कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की ओर से 7/12/2020 को एक प्रेस नोट जारी किया था। यहाँ पर देख सकते हो, पुलिस आयुक्त जयपुर, पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर और अजमेर। इसमें क्या दे रखा है, विषय आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ। वर्ष 2020-21 में सेना भर्ती रैली हेतु नवीनतम प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें आप जिला कलेक्टर से वार्ता करके आपके जिले में होने वाली सेना भर्ती रैली की तिथि के दौरान जिले में कानून व्यवस्था एवं अन्य कोई आयोजन हो उसमें बड़े स्तर पर पुलिस बल का नियोजन किया जाना है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेना भर्ती रैली के आयोजन के संबंध में आप अपनी टिप्पणी सहित कार्यालय में अविलंब भिजवाने का श्रम करें। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये इन्होंने एक जो है नोटिस जारी किया है कि जब भी आपके जिले में भर्ती हो तो आप कानून व्यवस्था जरूर वहाँ पर संभालें। उसके बाद में फिर देख सकते हो, राजस्थान सरकार गृह विभाग ने भी यहाँ पर जो है इनको भी एक पत्र लिखा गया है, अति आवश्यक, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये भी सेना भर्ती रैली से संबंधित है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है सेना भर्ती रैली का। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से जिले में किस दिनांक को भर्ती होने वाली है। पूरी ऑफिशियल न्यूज़ आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो मित्रों, यहाँ पर जो भर्ती होने वाली है उसमें जो आरओ झुंझुनू है उसमें आप देख सकते हो दोस्तों, 10 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2021 के मध्य यहाँ पर जो है भर्ती होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों, इसमें कौन कौन से ज़िले होंगे आप देख सकते हो, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और बीकानेर। आप थोड़ा सा फ़ोन को एक तरफ करके आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो है मैंने जो है ये PDF डायरेक्टली, इसको जैसे PDF आई है उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद में आप आरओ अलवर देख सकते हो, अलवर की जो वैकेंसी होने वाली है, भर्ती होने वाले 3 फरवरी को होने वाली है। उसके बाद में आप जयपुर की देख सकते हो, 8 मार्च से 19 मार्च तक जयपुर की चलने वाली है, यहाँ पर सीकर, जयपुर, टोंक वाले। उसके बाद में आरओ जोधपुर आप देख सकते हो दोस्तों, 5 अप्रैल 2021 को जो है, 5 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आरओ जो जोधपुर है उसकी रैली भर्ती होने वाली है। इसके बाद में लास्ट में आप देखते हो जो आरओ कोटा है, इसमें अजमेर जिला जो है उसमें भर्ती होगी। और कौन कौन से ज़िले आएंगे वो देख सकते हो आप यहाँ पर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और बारा, बूंदी, जलावाड़, कोटा, इनकी यह भर्ती होगी 3 मई से लेकर 14 मई 2021 तक। तो मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है, और इस भर्ती के संबंध में जो है यहाँ पर यह स्वीकृति भी जो है पुलिस विभाग की तरफ से मिल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कार्यालय महानिदेशक पुलिस कानून जयपुर, और 8/12 को ये स्वीकृति यहाँ पर दी गई थी। तो आप इसमें देखते हो, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए सभी मित्र, और रैली भर्ती की तैयारी कीजिए। जिनकी आयु 21 वर्ष है, 23 वर्ष है, आराम से आप इसमें आवेदन तो इसका पहले हो गया होगा लगभग बहुत सारे जगह का, लेकिन अब फिजिकल की तैयारी आप जो है बड़े ज़ोर से कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।